द क्यू कार्ड विच वी हैव टू डिस्कस इज डिस्क्राइब सम थिंग दैट यू डिड विद समन अ ग्रुप ऑफ पीपल या तो किसी के साथ ये आपने एक्टिविटी की थी या किसी ग्रुप के साथ की थी वॉट वॉज इट कब क्या वो एक्टिविटी थी हु यू डिड इट विद किस के साथ की थी हाउ लॉन्ग इट टुक कितना टाइम किया था ये एक्टिविटी एंड एक्सप्लेन वाई यू डिड इट टूगेदर एंड क्यों की थी ये एक्टिविटी आपने इकट्ठे लेट सी क्या इसका क्यू कार्ट का रिस्पॉन्स है लेट सी इन द पास्ट आई हैव प्लान्ड अ प्लेथोरा ऑफ ग्रुप एक्टिविटीज़ विद माई स्कूल एंड कॉलेज मेट्स पास्ट में मैंने बहुत सारी प्लेरा का मतलब है अलॉट बहुत सारी ग्रुप एक्टिविटीज की हैं मेरे स्कूल और कॉलेज के दोस्तों के साथ वन ऑफ द मोस्ट मेमोरेबल एक्टिविटीज़ इज़ आई पार्टिसिपेटेड इन इन वॉज द कॉलेज ट्रिप विच वॉज ऑर्गेनाइज वैन आई वॉज इन टेंथ स्टैंडर्ड एक सबसे खास जो मेमोरेबल एक्टिविटी है वो तब की है जब मैंने कॉलेज ट्रिप में पार्टिसिपेट किया था हिस्सा लिया था विच वॉज ऑर्गेनाइज वैन आई वॉज इन टेंथ स्टैंडर्ड जब मैं टेंथ में था आई स्टिल रिमेंबर दैट ऑलमोस्ट थर्टी स्टूडेंट्स हेट गिवन देयर कॉन्सेंट मुझे अभी भी याद है स्टिल रिमेंबर दैट तीस बच्चों ने कॉन्सेंट दिया था हाँ की थी टू गो टू द ट्रिप टू कुफरी ट्रिप पे जाने के लिए कुफरी जा रही थी ट्रिप अ हिल स्टेशन नियर शिमला कुफरी एक हिल स्टेशन है शिमला के पास इट वॉज़ अ थ्री डे ट्रिप तीन दिनों का ट्रिप था एंड मी एंड माई बेस्ट फ्रेंड्स वे आर वेरी एक्साइटेड फॉर इट मैं और मेरे बेस्ट फ्रेंड्स बहुत एक्साइटेड थे इसके लिए इट वॉज अ सेवन टू एट आवर्स जर्नी सात से आठ घंटे की जर्नी थी बिकॉज ऑफ विच वी हैड टू गेट अप अर्ली एंड उसी की वजह से हमें सुबह जल्दी उठना था वी एम बाग्ड अपॉन आर जर्नी टू at एट फाइव एम हमने अपनी जर्नी की स्टार्ट की एम बाग्ड अपॉन मतलब हमने उसका स्टार्ट किया सुबह पाँच बजे एंड boarded द बस from आर होम टाउन एंड हम बस में बैठ गए थे boarded द बस बैठ गए थे from आर होम टाउन सिंस इट वॉज़ एन ऑफिशियल ट्रिप क्योंकि ये ऑफिशियल ट्रिप था स्कूल की तरफ से था दे आर फोर थ्री ऑफ आर टीचर्स ऑल्सो अ कंपनी डू दिल स्टेशन इसी वजह से हमारे तीन टीचर्स भी हमारे साथ गए थे उन्होंने हमें अ कंपनी किया था ऑल ऑफ माई क्लास मेट्स वर्सो पम्पड अप ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द जर्नी मेरे सारे जो क्लास मेट्स थे वो बहुत एक्साइटेड थे वो पम्पड अप थे उनके एनर्जी लेवल्स बहुत ज़्यादा थे ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द जर्नी सारी जर्नी के दौरान कोर्स ऑफ का मतलब है जर्नी के दौरान एंड ऑलमोस्ट एवरी वन केप्ट सिंगिंग एंड प्लेइंग गेम्स एंड सभी लोग गाने गाते रहे एंड गेम्स खेलते रहे आई वॉज स्केप्टिकल मैं बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज था डाउट में था आई वॉज डाउटफुल टू वेदर एज टू वैदर आर मैंटर्स वर कम्पनिंग अस वुड अलाउ अस टू डांस इन द बस और नॉट मैं बहुत डाउटफुल था कि जो हमारे मेंटर्स थे जो टीचर्स थे जो हमारे साथ गए थे हु हुर अंपनिंग अस वुड अलाउ अस टू डांस इन द बस और नॉट कि क्या वो हमें बस में डांस करने देंगे या नहीं बट आई वॉज थ्रिल्ड टू डांस अलॉन्ग साइड दैम पर आई वॉज थ्रिल्ड थ्रिल्ड मतलब मैं मुझे बहुत मज़ा आया टू डांस अलॉन्ग साइड दैम उनके साथ डांस करने में ऑन द बीट्स ऑफ आर फेवरेट डांस ट्रैक हमने अपने फेवरेट डांस ग्स ट्रैक्स लगाए थे वी ऑल्सो टुक सम हॉल्ट ड्यूरिंग द जर्नी फॉर हैविंग ब्रेकफास्ट एंड टी हमने जब जर्नी के दौरान हम दो तीन बार या काफ़ी बार रुके भी हॉल्ट का मतलब स्टॉप्स लिए थे ब्रेकफास्ट के लिए एंड टी के लिए एंड अल्टीमेटली रीच्ड कुफरी एट थ्री पी एम एंड तीन बजे हम लोग कुफरी पहुंच गए द व्यूज ऑफ़ द वैली फ्रॉम द टॉप ऑफ द माउंटेन्स वर मेस्मराइजिंग जो वैली का व्यू था जब हम लोग टॉप पे पहुंच गए थे तो जब हमने नीचे देखा वैली में तो आ, बहुत सुंदर था वो इट वॉज मेस्मराइजिंग बहुत ही अच्छा था एंड आई वॉज टोटली टेकन अ बैक बाय द ब्यूटी ऑफ इट एंड मुझे इतना पसंद आया कि आई वॉज टेकन अ बैक मतलब मुझे बहुत अच्छा लगा तो दो वर्ड्स हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं एक मेसमराइजिंग यानी कि बहुत ब्यूटीफुल एंड टेकन बैक इज सॉर्ट ऑफ सरप्राइज कितना अच्छा था वो वी वेंट हाइकिंग इन द फॉलोइंग डेज हम लोग हाइकिंग के लिए गए पहाड़ बेसिकली हम लोग पैदल ऊपर गए इन द फॉलोइंग डेज अगले दिनों में प्लेड सो मैनी गेम्स बहुत सारी गेम्स खेली एंड हेट सच एन अमेजिंग टाइम एंड बहुत अच्छा टाइम हमने बिताया आई कैप्ट क्लिकंग पिक्चर्स ऑन माई मोबाइल फ़ोन थ्रू आउट द जर्नी सारे सफ़र के दौरान जर्नी के दौरान मैं फोटोज़ क्लिक करता रहा मोबाइल फ़ोन में एंड लेटर पोस्टेड दैम ऑन इंस्टाग्राम एज़ वेल एंड उसके बाद में मैंने फोटोज़ को इंस्टाग्राम पर भी पोस्ट किया देर आर हंड्रेड ऑफ मेमरीज़ मेड बहुत हज़ारों हमने मेमरीज़ बनाई वेअर वी जोग्ड लाफ्ट सेंग एट हाइक ट्रेवल्ड एंड अब ऑल बॉन्डेड वेल विद ईच अदर जहाँ पर हमने जॉक किया लाफ किया हम लोग हंसे गाने गाए खाना खाया हाइकिंग की ट्रेवल किया एंड सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट बॉन्ड किया बॉन्ड मतलब एक दूसरे के साथ अच्छा रिलेशन बन गया ऑन द लास्ट डे वी सेट गुड बाई टू द ब्यूटिफुल स्टेशन लास्ट डे हमने हिल स्टेशन को बाय कर दी गुड बाय कहा एंड हम लोग वापस आ गए इट वॉज अ मच नीडेड ब्रेक फ्रॉम आर एकेडमिक्स पढ़ाई से एकेडमिक से एक बहुत नीडेड ब्रेक थी हमें बहुत सख्त ज़रूरत थी इस ब्रेक की एंड वी रिजोवनीटेड आर सेल्स थैरली एंड हम लोग ने एंड हम लोग ने बहुत इंजॉय किया और बहुत रिलैक्स किया रिजोवनेट इज रिलैक्स यानी कि ये ट्रिप एक तरह का स्ट्रेस बस्टर था हमारे लिए इफ़ यू लाइक द कॉन्टेंट प्लीज़ यू नो आपको अगर अच्छा लगा तो आप लाइक करें इस चैनल को सब्सक्राइब करें प्लीज़ कमेंट भी करें इफ़ यू हैव एनी डाउट यू नो इफ यू वांट सम अदर कंटेंट टू बी पोस्टेड प्लीज लेट मी नो थैंक यू सो मच